फैसले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से अयोध्या में हो रही हलचल और दुर्गा पूजा त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने अयोध्या नगर के प्रमुख स्थानों पर ड्रोन कैमरे की तैनाती का फैसला लिया। पुलिस विभाग ने शासन से ड्रोन कैमरे खरीदने की अनुमति मांगी। शहर के चौक एरिया में सीओ सिटी अरविंद चौरसिया की निगरानी के प्राइवेट ड्रोन कैमरे को उड़ाकर दुर्गा पंडालों की सुरक्षा निगरानी की गई। शहर में 144 दुर्गा पंडालों पर पीएसी व सिविल पुलिस के जवान को तैनात किया गया। आपको बताते चले कि वर्ष 2012 में शारदीय नवरात्रि के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हुआ था। अयोध्या को लेकर शासन और जिला प्रशासन बेहद सतर्क है। अयोध्या विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसका हलचल अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या संवेदनशील होने के नाते इस बार पुलिस विभाग ने शासन से 5 ड्रोन कैमरे की तैनाती के लिए मांग की है। पुलिस विभाग के पास अभी ड्रोन कैमरा नहीं है। पुलिस विभाग ने प्राइवेट संस्था से ड्रोन कैमरे को लेकर नगर क्षेत्र के चौक एरिया में उड़ाकर सुरक्षा निगरानी की है। सीओ सिटी अरविंद चौरसिया की माने तो दुर्गा पूजा और दीपोत्सव को देखते हुए ड्रोन कैमरे की तैनाती बहुत जरूरी हो गई है। वर्ष 2012 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद का दंश अयोध्या झेल चुका है, इसलिए अयोध्या को संवेदनशीलता को देखते हुए ड्रोन कैमरे के साथ साथ 144 दुर्गा प्रतिमा पंडाल पर पीएसी व सिविल पुलिस की तैनाती की गई है। देखिए, पूरे अयोध्या जिले में 6 सर्किलें हैं। 6 सर्किलों में हमारा सर्किल नगर है। हमारे सर्किल में पूरे करीब 144 पंडाल हैं और 120 हमारे कोतवाली नगर क्षेत्र में ही है। सारे पंडालों पर जो है बालू पानी और अग्निशमन यंत्र की हम लोग पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पंडाल बन गए हैं वहाँ ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं। जहाँ जहाँ बन रहे हैं वहाँ पर भी इस पर अभी बालू पानी का वहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। सबको एक नोटिस भी जारी की गई है, सारे लोग जो भी यहाँ पे हैं, सारे पंडाल मालिक और उनके समिति के सदस्यों को, कि यहाँ पे ये सुरक्षा व्यवस्था रखें। साथ में अब हमारे फोर्स के पार्ट पे आते हैं। फोर्स के पार्ट में हमारे पास पीएसी है, सिविल पुलिस है, महिला पुलिस है, तो इन तीनों की तैनाती हर रामलीला जहाँ जहाँ रामलीला हो रही वहाँ पर भी की गई है और जहाँ जहाँ पंडाल है वहाँ पर भी की गई है। और इस समय साथ में हमारे यहाँ मंदिरों में भी पूजा अर्चना चल रही है, जैसे देवकाली मंदिर, पटेश्वरी मंदिर कैंट थाना क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी हम प्रॉपर ड्यूटी रखे हुए हैं, पूरी सतर्कता बनाए हुए हैं। साथ ही में इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से कल हमने ड्रोन कैमरे का रिहर्सल किया, जो कि हमारे चौक क्षेत्र में शुरू किया मैंने। तो ड्रोन कैमरा हम माननीय SSP और DM साहब ने शासन से अनुमति भी मांगी है कि 4-5 कैमरे की खरीदारी हो जाए, जिससे और ज़्यादा निगरानी हो सके बढ़िया से। तो आने वाले दीपोत्सव और दुर्गा पूजा को देखते हुए हम लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं। और साथ में अभी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक यहाँ पे प्राइवेट पर्सन के पास था, जिसके ड्रोन कैमरे से हमने रिहर्सल किया और चौक क्षेत्र में उड़ाकर आसपास के क्षेत्रों की निगरानी करना शुरू किया।